क्या हुआ क्या हुआ? वो देखो उधर, तो भाई लोगो जानवर आ गया, टाइगर है टाइगर। ओए लकी भाई, वो पत्थर लकड़ी लो लकड़ी लो लकड़ी लो लकड़ी लो, टाइगर 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 हर जगह रुक गई है थोड़ी। गाइस हंटिंग चल रहा है, हंटिंग, उसको रेस्क्यू कर लिया। आज हम करने वाले हैं कैंप, वो भी अरावली रेंजेस पे, और रहेंगे वहां पे पूरी रात। हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:27, चलो इस चैलेंज की शुरुआत करते हैं। और हर एक बेहतरीन चैलेंज की तरह इस चैलेंज की शुरुआत होती है पैकेजिंग से। और गाइस चाय के बिना हम बाहर नहीं निकलते। दादी जी भी मजे ले रहे हैं। और गाइस मेरी नई चश्मा आपको कैसी लग रही है? यो यो, दिलो का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलो का शूटर। भाई लोगों पूरा सामान पैक कर लिया है, और सूर्य भी है ना, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। तो सनसेट होने से पहले अपने को चलना है पहाड़ी पे, जहाँ पे हम आज पूरा नाइट स्टे करेंगे और ट्रैक करने वाले हैं वहाँ का। तो वहाँ पे चलते हैं जल्दी से, हमें जल्दी फटाक से करना पड़ेगा भाई, लेट हो रहे हैं यार। सनसेट से पहले अपने को पहुँचना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, चले भूपेंद्र, लेट्स गो, चले चलो। तो भाई लोगों फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है। एक बार देखो आप, और मैं आपको बताना चाहूंगा हम टॉप ऊपर पहाड़ी पे जाएंगे, आपको पहाड़ी भी दिखना भी बंद हो चुकी होगी, और वहां पे जाके हमें कैंप लगाना है। चलो 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 गाइस चलो। भाई अंधेरा हो चुका है बहुत तेज वाला, बार जंगल देखो आप। चलो चलो चलो, और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जिस जंगल में हम चल रहे हैं यहाँ पे काफी जंगली जानवरों का खतरा है। थक गए भाई, अभी तो आधी भी चढ़ाई नहीं हुई है, हमें ऊपर तक चढ़ना है। चलो 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 चलो, आ जाओ उपेंद्र, चलो। ये सामान लाने में है ना फट गई हम लोगों की। अभी तो और ऊपर चढ़ना है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। ये देखो वो कितना तेज हवा चल रहा है यार, भूख लगने लगी लगी अंदर मैं तो, मेरे भी लगे आते हैं। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। और गाइज ये मेरी लाइफ का सबसे थका देने वाले मोमेंट्स में से एक था। अंदर नजारा देख, नजारा ओ भाई भाई फाइनली ऊपर पहुंच गए, और ये सब लेके आ गए ऊपर। घी दूध की शक्ति थी इसलिए शरीर झेल गया, बाकी सच बताऊं लग गए भाई लग गए। टेंट लगाते जल्दी से, चलो 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 टेंट लगाने का। भाई लोगों को जगह मिल गई है, और एक बार व्यू देखो। कैंप लगाने के बाद हमने फाइंड करी कुछ लकड़ियां, फिर बनाया हमारा खुद का चूल्हा वो भी पत्थरों से, और फिर हमने लगा दी आग। गाइस फाइनली हमने आग लगा दी भूपेंद्र। हाँ, आग लगा दी, आग लगा दी, यो 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 यो, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और फिर हमारे इस पापी पेट को भूख लगने लगी, तो हमने मैगी बनाने का डिसाइड करा। और जब तक मैगी बन रही थी हमने कुछ फोटोज भी क्लिक कर। तो भाई लोगों मैगी वैगी खा ली है, और अब टेंट में आ चुके हैं। बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ये देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है। चलो अब सोते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आपको यहाँ से दिखने वाले नजारों से प्यार हो सकता है, इसलिए सावधान। मजा आ गया भाई। बादल कितने करीब लग रहे हैं। आग लगा दी। मुझे तो ये जगह काफी पसंद आई, क्या आपको आई कमेंट्स में बताना। अरावली की गोद में, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस इन राजस्थान आई एवर सीन। मुझे इस जगह से प्यार हो गया है, बहुत खूबसूरत नज़ारे, शांति और ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। पर ये मज़े ज़्यादा देर तक नहीं रहे, क्योंकि हम हैं ही उद्यमी। और कुछ इसी तरह हंसते खेलते चेहरे पे सन्नाटा छा गया। अब पूरा मूड चेंज हो गया था, सारी जगह बस हवाएं चल रही थी, हवाएं, सन्नाटा सन्नाटा और तेज हवाएं। फिर एकदम से मुझे कोई चीज दिखी। क्या हुआ? वो देखो उधर गाइस, ड्रोन। ये है नेचुरल ड्रोन भाई, ये भगवान का बनाया हुआ ड्रोन है। हमारा ड्रोन तो उड़ा नहीं, इंसान का बनाया हुआ, फड़फड़ा रहा था। वो देखो, दिख रहा है भैंस की टांग। गाइस हंटिंग चल रहा है, हंटिंग, ईगल हंट चल रहा है। वो देखो वो वहां पे चला गया, हर जगह रुक रुक के ये थोड़ी देर ग्लाइड कर रहा है और देख रहा है नीचे की तरफ, फिर दूसरी जगह जा रहा है, फिर रुक रहा है। गाइस आप ये देखो, इधर गांव के जो यहाँ के नेबर है ना, वो लोग आ रहे हैं ऊपर जंगलों के अंदर अपने गाय भैंसे इनको चराने के लिए। वो देखो उधर, और यहाँ पे आना बर्थ इट रहा है भाई। इतनी जो हमने मेहनत करी है ना रात को यहाँ पे आने के लिए, वो पैसा वसूल रहा है। एक चीज का अफसोस है मुझे यार कि हम ना यहाँ पे आए, इतना दूर आए हैं और ना ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते यार, ये वाला डीजी आएगा अब उसे फ्लाई नहीं कर सकते, बस उसी चीज का अफसोस है। क्यों भूपेंद्र? बहुत बड़ा अफसोस है ये तो भाई। व्यू देखो यार, मतलब आपको फोन पे उतना अच्छा दिखे नहीं दिखे मैं नहीं कह सकता, बट आप यहाँ पे मेरे साथ आना कभी, मैं आपको लेके आऊंगा। बहुत बहुत ऑसम व्यू है, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। चलो गाइस देखो, ऑडियो बहुत ज्यादा खराब होगा इसके लिए सॉरी, ऑडियो का मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा तेज हवा है, तो ऑडियो के साथ थोड़ा बियर करिएगा। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, इससे भी ज़्यादा एडवेंचरस कुछ करने वाले हैं हम, वो भी आने वाली ही कुछ ही वीडियोस के अंदर, उसकी तैयारी हमने पहले से ही चालू कर दी है, तो स्टे ट्यून्ड। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई ये नज़ारा देखने के बाद तुमने लाइक नहीं करा है ना
तो कोई मतलब नहीं है यार तुम्हारा, फिर लाइक भी कर देना यार। चलो अब बाहर चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं फटाक से। अब सही है, अब बाहर चलते हैं। चलो 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 चलो। ला 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 ला। तो गाइस हमने फाइनली आग लगा ली है और ये भूपेंद्र बैठा है और मैं आपको एक शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी खूब मदद करी है। ब्रदर आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्की। लक्की, तो गाइस लक्की भाई के लिए शाउट आउट। लक्की भाई नीचे स्पैम कर देना, क्योंकि यही शख्स है जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, वरना हम दो जने तो ये सामान लेके, जो इतना भारी सामान है वो लेके नहीं आ सकते थे। लक्की भाई ने ना हमारी बहुत मदद करी और लक्की भाई यहाँ के लोकल है। लकी भाई मुझे इस पहाड़ की खासियत बताओ यार, मैंने तो सिर्फ इतना सुना था कि ये ऊंची है, बहुत नज़ारा बढ़िया आता है। अच्छा, और जानवर वगैरह कोई? जानवर तो फिलहाल तो है नहीं, एक पहले आया था उसको रेस्क्यू कर लिया। अच्छा 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 अच्छा। और हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन की हालत देखोगे, अभी देखो एयरप्लेन मोड में डाल रखा है और 1% है, 1%। और अभी है ना सूरज को बादलों ने ढक रखा है तो यहाँ पे छाया सी हो रखी है। देखो देखो बादलों ने उसको ढक रखा है सूरज को, तो पूरी छाया हो रखी है और कितना शानदार दिख रहा है। और भूपेंद्र तुम क्या कहना चाहोगे? एक नंबर व्यू है यार, गजब। और भाई आप तो आ रखे होंगे इस पहाड़ी पे पहले भी? एक बार आया था। अच्छा, एक बार ही आए हो, मतलब दूसरी बार हमारे साथ आए हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हाँ एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो सारी जगह होती है पहाड़ियों के ऊपर आपको झंडे जरूर दिख जाएंगे, इस पहाड़ी के ऊपर भी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहा है झंडा उस, वो देखो वो पॉइंट पे, वो पॉइंट पे लोगो, जानवर आ गया, टाइगर है, टाइगर। ओए लकी भाई वो पत्थर, लकड़ी लो लकड़ी लो लकड़ी लो लकड़ी लो, टाइगर टाइगर टाइगर, इधर 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 संभल के ना, ये आ गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मारो साले को। ये टाइगर हमारा पालतू है, मिक्स टाइगर है गाइस, मिक्स ब्रीड का टाइगर है, मिक्स ब्रीड का। मारो, कहाँ भाग रहे? कुछ देर मस्ती करने के बाद हमने फटाक से टेंट को करा पैक और शुरू कर दी पहाड़ से नीचे उतरने की जर्नी। एकदम खड़ी नहीं चाहिए गाइस, एकदम खड़ी। अब हमें नीचे उतरना है यहाँ से, देखो। भाई लोगों, जितना आप आसान समझते हो ट्रैकिंग को, उतना आसान है नहीं। मैं काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी है भाई। मैं बताता हूँ हम कहाँ से आए, देखो वो देखो, हम उधर से आए हैं, वो जो टॉप दिख रहा है ना, वहाँ से यहाँ पे आए हैं। पाँव में कांटे चुभ रहे, जूते के अंदर कांटे घुस गए हैं। ये देखो जूते खिरद गए हैं हर जगह से, ये देखो फट चुके हैं। यहाँ से पूरा एरिया दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है और हालत ख़राब हो गई है। एक एक। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम फाइनली नीचे पहुँच ही गए और हमारा स्वागत करा इस मस्कुलर से डॉग ने। हा? और फिर हमने माता जी को करा प्रणाम और निकल गए घर की ओर। बट जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार उस पहाड़ी को दिखाना चाहता हूँ। बाकी इस माउंटेन ने मेरे दिल में एक जगह बना ली है। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।